हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट में। इस वीडियो में हम जो बात करेंगे, जो न्यूज़ निकल के सामने से आ रही है, जो भी हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं, और जो पेपरों में आई हुई है नए आयोग को लेके कि उत्तर प्रदेश में जो नए आयोग को लेके क्या कवायद चल रही है, अब तक क्या चल रहा है, क्योंकि जो पिछले 7 से 8 महीने से जो नया आयोग, या ये कहें कि 1 साल से जो है पूरा नया आयोग ठप पड़ा है, और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन चुका है जिसमें भर्ती करने वाले के लिए कोई आयोग ही नहीं है। यानी प्राइमरी में नियुक्ति करने के लिए, TGT में नियुक्ति करने के लिए, PGT में नियुक्ति करने के लिए, और हायर में नियुक्ति करने के लिए इनके पास कोई आयोग नहीं है। 1 साल से लटकाए हुए थे भर्ती को, लेकिन हाँ अब इसकी तैयारियाँ जोरों पर आई हैं, और जोरों पर आने का एक ही रीज़न है हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो रीट पड़ी हुई है, सीधे सीधे आयोग ने सरकार से प्रश्न किया है कि अगर आप आयोग नहीं बना सकते तो एग्जाम हम ही कराएंगे, पुराने आयोग से कराएंगे। तो अब सरकार भी इसमें बैकफुट पे आई है, और वह जल्दी जल्दी आयोग को बनाने का कार्य पूरा करिए, क्योंकि हाई कोर्ट में 24 जुलाई का जो एक डेट लगा हुआ है। तो इसकी संपूर्ण जानकारी नए आयोग की हम बात करेंगे कि इसमें कितने आयोग होंगे, कितने मेंबर होंगे, कितने चेयरमैन होंगे। यह अब माना जा रहा है कि यह जो आयोग बन रहा है, यह 3 आयोगों को मिला के बन रहा है, ठीक, प्राइमरी, माध्यमिक और हायर। तो एक ऐसे भी लोगों का कहना है कि यह अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आयोग होगा। इससे अब तक का सबसे बड़ा आयोग लोक सेवा आयोग था, उससे भी बड़ा आयोग होगा। देखिए, संपूर्ण जानकारी निकल के आएगी, और TGT PGT का जो एग्ज़ाम हो जल्द ही अब होगा, क्योंकि इसमें जो भी आयोग नए बनेंगे सबसे पहले इनका टारगेट पुरानी भर्तियों को कराने को लेके होगा। और TGT PGT की एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे, अच्छा, और नए आयोग की संपूर्ण जानकारी और 24 जुलाई जो अंतिम डेट लगी है उस पर बात करेंगे। देखिए, अगर पेपरों की न्यूज़ की हम बात करेंगे, पेपरों में जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि इस आयोग की रूपरेखा क्या होगी, तो रूपरेखा यानी आयोग का ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया। ड्राफ्ट में सबकी अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया बता दी गई है, मेंबरों की नियुक्ति की प्रक्रिया बता दी गई है, कितने मेंबर इस आयोग में होने चाहिए। अगर हम देखें कि एक अध्यक्ष इसमें होगा और 11 सदस्य होंगे, 11 मेंबर्स का यानी एक चेयरमैन का और 11 मेंबर का प्रस्ताव है, और यह प्रस्ताव किसको भेज दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है, ठीक, यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया है। इसमें सरकार की कहीं ना कहीं लापरवाही है, जो पिछले का प्रस्ताव पिछले 8-9 महीने से आपके पास रखा, आपने सिग्नेचर नहीं किया। लेकिन अब देखिए, अब वो भी सरकार आई हुई है, और नए आयोग का गठन जो है 24 जुलाई के पहले होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। अब 24 जुलाई के पहले की न्यूज, ये न्यूज़ आपको मिल जाएगी, आप लोग सुने ही होंगे, 24 जुलाई के पहले इस तक गठन कर देगा। अगर 24 जुलाई को, अब देखिए यहाँ पे लिखा है 24 जुलाई को हाई कोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है, ऐसे में उससे पहले विधेयक के जरिए आयोग के गठन की उम्मीद जताई जा रही है। उम्मीद नहीं कि यह कन्फर्म हो चुका है कि 24 जुलाई के पहले आपका क्या होगा, आयोग की रूपरेखा तैयार है, बस सरकार मोहर मार के और इसका केंद्र इलाहाबाद ही बनाएगी। तो ये तो जान गए, एक सदस्य, एक 11 सदस्य के साथ एक चेयरमैन इसमें होंगे, और उनकी सारी नियुक्ति प्रक्रिया ड्राफ्ट में पड़ी हुई है। अब आयोग बनने से अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि अगर सर जुलाई में आयोग बन गया तो एग्जाम कब तक हो जाएगा। देखिए, अगर जुलाई में आयोग बनेगा तो अगस्त में सब क्या करेंगे, सारे मेंबर और चेयरमैन अपना पहली मीटिंग करेंगे, और पहली मीटिंग में प्रस्तावित किया जाएगा कि जो लंबित भर्तियाँ हैं, क्योंकि आयोग के पास अब कोई भर्ती क्या रुकी है, एक TGT PGT की रुकी हुई है, जो 4500 से अधिक सहायता प्राप्त विद्यालयों में TGT PGT की नियुक्ति करने जा रहे हैं उसकी भर्ती रुकी हुई है, एक हायर में रुकी हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, इनके पास 2 भर्तियाँ। तो यह नया विज्ञापन न निकाल के सीधे इन्हीं 2 भर्तियों को पूरा कराएंगे, और अगस्त में आपको बताएंगे, एग्जाम कैलेंडर आपका जारी होगा कि ये एग्ज़ाम कब लेंगे। तो पूरी संभावना है कि अक्टूबर से ले कर नवम्बर तक आपका यह एग्ज़ाम पूरा क्लियर करा लें। एग्ज़ाम होने की पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर से ले कर नवंबर तक ये आपका एग्ज़ाम लेंगे। अब तक TGT PGT की डेट की बात कर लें, एग्ज़ाम डेट तो मैं बार बार बता दे रहा हूँ कि यह अक्टूबर से ले कर नवंबर मंथ में ये आपका TGT PGT जो एग्ज़ाम है आपका होगा 2023 का, यानी 2022 में अध्याचन आया था, 2023-24 में